जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों, ICMR में भर्ती निकली है। ICMR क्या होता है इसकी भी जानकारी देंगे, और इसमें वैकेंसी आई है दोस्तों, वो ऐसी है कि जिसमें देखो 12वीं पास डिप्लोमा वाले हैं वो भी फॉर्म लगा सकते हैं, स्नातक जिसने कर रखी है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। महिला और पुरुष ऑल इंडिया में कोई भी आवेदन करना चाहे तो कर सकता है। तो इसी की संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, कितनी एज रहेगी, कितनी तनख्वाह मिलेगी और कितने क्या इसमें सुविधाएं मिलेंगी, सारी चीजें बताने वाला हूँ। कितने क्या पद हैं आपके लिए है या नहीं है, आपको फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, किसके लिए है किसके लिए नहीं है, सारी बात करांगा एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल से जुड़ जाइए। यहां पे आपको दिख रहा होगा बांसो रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, जाके इसको दबा दो। इसको दबाओगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे, फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बांसुर रोजगार के YouTube चैनल में। देखो भाई, ये है ICMR भर्ती 2023। ICMR जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इस डिपार्टमेंट में साथियों भर्ती आई है। इसी की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। ऑल इंडिया में महिला पुरुष आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू है, 26 नवंबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं और लास्ट डेट रहने वाली है 10 दिसंबर 2023। यानी कि 10 दिसंबर से पहले पहले आप इसमें फॉर्म लगा सकते हो। एज 18 से 30 है। SC ST को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की छूट है। OBC वाले अगर 33 साल के भी हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म फीस क्या रहेगी? ₹300 रहेंगे, जो कि जनरल OBC और EWS के रहेंगे ₹300, और SC ST और महिला कैंडिडेट जितने भी हैं उनका ₹0 फ्री है। महिला चाहे जनरल OBC EWS SC ST कोई भी हो, महिलाओं की सारी फ्री है फॉर्म फीस, और SC ST के महिला भी और पुरुष दोनों की फ्री है। चयन कैसे होगा जी? एग्जाम होगा भैया CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट जारी होगी। और एग्जाम भी थारो फटाफट ही करवा दिया, फटाफट करवा दिया, 16 और 17 दिसंबर 2023 को एग्जाम हो जाएगा। अब देख लो कितनी जल्दी थारो काम सुलटा दिया, फटाफट एग्जाम, फटाफट सारा काम हो जाएगा, रिजल्ट फिजल्ट दैड़ फैड़ सारा सौदा। अच्छा जी, पदनाम कौन से हैं साहब? टेक्निकल असिस्टेंट के 49 पद हैं दोस्तों, जिसको हम TA यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट, तकनीकी सहायक जिसको बोलते हैं, उसके 49 पद हैं। स्नातक मांगी गई है साइंस से, ऐसे नहीं है कि साहब हम तो आर्ट वाले हैं फॉर्म भरते हैं क्या, ना, तो साइंस में होना चाहिए, साइंस में। और 60% बनी हो पूरम पट, फर्स्ट डिविजन पास ये होना चाहिए स्नातक में। 35,400 वेतन मिलेगा, ठीक है साहब। अगला पद है टेक्नीशियन का, जिसको तकनीशियन बोलते हैं। एज 18 से 28 साल होनी चाहिए इसमें तो ये है, और 18 से 30 साल की एज है तकनीकी सहायक में, इसमें तो आप 30 साल तक भी फॉर्म भर सकते हैं। और भाई तकनीशियन में भरना चाहो तो भैया 18 से 28 साल की उम्र है इसमें, बस 30 साल की नहीं है, 18 से 28 एज है इसमें। 31 पद है, 12वीं पास होना चाहिए साइंस से, और प्लस में डिप्लोमा भी होना चाहिए, जैसे DMLT का है, और भी तकनीशियन वगैरह के लेवल में जो भी पद हैं उस हिसाब से डिप्लोमा भी होना चाहिए। इसकी पूरी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, उसमें आपको ये सारी PDF वगैरह हम डालते रहते हैं, उसी में आपको पढ़ना होगा, ढंग से देख लेना। बाकी सारी चीज मैं आपको बता चुका हूँ, उसमें जो भी लिखा है वो मैं सारी बातें यहाँ पे बता चुका हूँ। अब तो आपको नोटिफिकेशन देखना है बस कि हाँ भाई ये डिप्लोमा वाले, ये सब्जेक्ट वाले इसमें फॉर्म लगा सकते हैं।
बारहवीं साइंस से है तो ही, और वो भी 55% होनी चाहिए बारहवीं साइंस से, 55%, ठीक। और डिप्लोमा भी होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि साहब डिप्लोमा तो नहीं है, बारहवीं साइंस से है, 55 से 60 बनी है फिर लगा दे क्या, भाई मत भरना, आपके लिए नहीं है, डिप्लोमा जरूरी है, ठीक है जी। और इसमें तुम्हारी तकनीकी सहायक में स्नातक जरूरी है, साइंस से होनी चाहिए, 60% पूरी पट बनी हो तो ही फॉर्म भरे, अन्यथा फॉर्म मत भरना दोस्तों। इसमें कोई भी डिप्लोमा हो 19,900 वेतन रहेगा, टोटल 80 पदों पे ये वैकेंसी है दोस्तों। अगर आपकी इच्छा है और आपके पास भाई ये डिप्लोमा वगैरह कोई है तो आप फॉर्म लगा दो, और इसमें भैया स्नातक साइंस से हो, 60% बनी है तो फॉर्म लगा दो, कम है तो फिर मत भरो, ठीक है, कोई फायदा नहीं है। तो यही है इसकी संपूर्ण जानकारी दोस्तों।